एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है जी फ्राइडे और आज रेहान भाई का ऑफ है और बाबा भी आज अभी थोड़ा बिजी थे तो मामा की कॉल आई है कि उनको स्कूल से लेने जाना है। तो खैर अभी फौरन निकलते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा लेट हूँ, तो अभी वहाँ जाके मिलते हैं। अच्छा जी, तो सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने, इवन दो इस वक्त थोड़ा सा ठंड तो है और थोड़ा सा पागल भरा भी है इस वक्त खेलना क्योंकि बॉल बड़ी ज़ोर से लगी, लेकिन एक दफ़ा गर्म हो जाओ फिर इतना फील नहीं होता। खैर अभी बस निकल रहे हैं घर से, हालांकि 6 बजे का टाइम था और अगर अभी मैं आपको टाइम दिखाऊँ इट्स ऑलरेडी 6:01, लेकिन अभी खैर है 2-4 पास ही, इतना दूर नहीं है, तो अभी वहां जाके आपसे मिलते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं पैदल ही चला गया। हाँ ठीक है। और शानी साहब ठीक हैं आप? YouTube पे आपको वेलकम कर रहे हैं। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। फुल आपने अपने आप को कवर करने की कोशिश तो की है। ठंड थी, कोशिश मैंने पूरी की है, अब देखें आगे कितना कवर होते हैं वहाँ पे जाके, मुझे लग रहा है ठंड। मैंने भी अभी यही कहा है कि ठंड तो बहुत है, पागल है हम, लेकिन खेलने जा रहे हैं, आप देखो क्या होता है। अच्छा जी, तो आज व्लॉग नया बंदा करेगा और हम पहले ही लेट हो गए, लेकिन इनका अभी भी कोई प्लान नहीं है खेलने के लिए। तो ये देख, उधर पाँच पाँच मोबाइल उठा के ये है कि आपने मेरी परफॉर्मेंस तो देख ही ली होगी। तो अभी 6 ओवर कंप्लीट हो गए, हमारी बैटिंग फर्स्ट इनिंग्स कंप्लीट हो गई है और हमने स्कोर किया है 61, 62 का टारगेट है। तो अभी देखते हैं क्या सीन है, अभी हाथ मेरे हल्के हल्के ठंडे हैं और बाउंड्री पे फील्डिंग करनी है, यहाँ पे तबीयत फ्रेश होगी। ये सीन है अभी। हम जीत गए थे 2 रन से, फिर बैटिंग आई थी और इस बार मैंने बेहतर बैटिंग की, आउट नहीं हुआ। अब इस बार हमारा स्कोर है 59। मिस्टर सीब क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, फिटो? तो अब 60 का टारगेट है, अब देखते हैं इस बार क्या। तो पहला मैच उनको आखिरी बॉल पर आया था, ये वाला हम उन्होंने 3-4 बॉलें पहले ही चेज कर लिया। फिर अब तीसरा मैच 1-1 हो गया। मैं एडिट कर रहा था, आई होप आप अभी तक ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और इससे आगे अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो एक पूरा ओवर है अंपायर्स व्यू से। अच्छा जी, अब हमारी बॉलिंग ख़त्म हो गई, आ रहे थे पिछला मैच तो पहले बॉलिंग थी और 44 का टारगेट है 6 ओवरों। चलो अच्छा, फर्स्ट बॉल बॉल डॉट बॉल चौका, बहुत आला बहुत आला, वाइड बॉल ओके, ये जी 5 बॉल 5 स्कोर रह गया। इधर 4 बॉल 4 स्कोर अदन राउंड दी विकेट। अंदर
ग्राउंड दे विकेट, तीन बॉल तीन स्कोर। ये जी दो बॉल दो स्कोर, मकास बैटिंग पे। ना वीडियो जी सारी डिस्कशन हो रही है, एक बॉल एक स्कोर है, एक बॉल एक स्कोर। अदम नाता स्कोर, एक बॉल एक स्कोर, फाइनल बॉल। पांच बॉल में दस रह गया। कल आपने देखा होगा कि हम क्रिकेट खेलने गए थे और मैंने मेंशन किया कि हम दो मैच जो हैं वो हार गए तीन में से। खैर आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं, आज डिफरेंट टीम है और डिफरेंट जगह है, तो बस अभी निकलते हैं और अभी हम जाएंगे पहले मूसा के घर, वहाँ से फिर उसी के साथ आगे हम जाएंगे खेलने, तो उधर जाके आपसे मिलते हैं। हम मूसा के घर पहुँच गए थे, उसके बाद अब ये बिल्कुल यहाँ पास ही है तो हम पैदल ही जा रहे हैं। ये सब बॉयज हैं, ये मिस्टर शिरोज डाकू है। तो इधर आओ आप इंटरव्यू दो, इस साइड पे आओ। मैं जी 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 जी, आपका ये पहली वीडियो है इस सारे चैनल को, पास करो नीचे करो सबसे पहले। बहुत शुक्रगुजार हूँ आदम भाई आपका, आप मेरे अपने चैनल पर। अब आप फेमस हो गए आपका इस बात, अब आप पता क्या करो, अब आप भाग के जाओ वहाँ तक ताकि आप गर्म हो जाओ। नहीं आदम भाई पता क्या, अंदर जाके गर्म होंगे कैसे, यहाँ से ठंडे हो गए जाएंगे अंदर से, अंदर जाके भी नहीं होना गर्म जितनी ठंड है। चलो वहाँ जाके मिलते हैं। और शाला छक्का ही है ए, कभी कभी लगता है बनी है इसकी। हाँ भाई इस मैच का एक पूरा हो गया मतलब है गया। मेरा भी इस तरह ही था बस, मेरा चौका चौका चौका, क्या बात है। शुक्र है शिरोज छक्का नहीं मारा तो जल्दी डायरेक्ट कर दूंगा। इनको पवेलियन में बुलाएं एक बार भी नहीं। ये जी अदन साहब बैटिंग कर रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। यही करना है इन्होंने, आ गया आपका बैटिंग का, ये सिंगल हो गया आपका, मिस हो गया। जो भी क्या हमने ये अपना ही है मैच। बना ली। पहले दो मैच वो जीते हैं, तीसरा हम जीते हैं, अब ये चौथा है, प्रोबेबली लास्ट मैच ही होगा। हमने पहले बैटिंग की है और हमारा स्कोर है 46-47 का टारगेट है 6 ओवरों में। लेट्स सी, वो हमारे हो गए हैं ख़त्म, 2-2 ईच पे ख़त्म हो गया क्योंकि हम ये लास्ट मैच जीत गए और प्रेटी कम्फर्टेबली। तो अभी बस निकलते हैं घर की तरफ और फिर देखते हैं कि क्या सीन है। ओके जी शिरोज भाई, ओके अदन भाई, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो अभी हम पहुंच गए हैं घर और अब बड़ा मैं थका हूँ, तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।